नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल टेक्स पर फ्रांते में। दोस्तों, इंटरनेट पर एक नया खेल शुरू हो गया है इन दिनों, जिसका नाम है saraha.com। तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा, कुछ फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स और कुछ थ्रेटिंग टाइप की। दरअसल ये जो saraha.com है, ये एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, जिसमें आपको साइन अप करने को कहा जाता है पहली बार। उसके बाद आप लोग आपके प्रोफाइल पर कमेंट करेंगे, कुछ भी कमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, गाली देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो लोग कौन है। और फिर आपको उसमें ऑप्शन ये दिया जाता है कि उस चीज़ को आप किसी भी सोशल साइट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी आप उसको पेस्ट करो, लगाओ। तो कॉन्सेप्ट जो है लोगों को काफ़ी कूल लग रहा है। दरअसल कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अब पहले के ज़माना में भी लोग चिट्ठी लिख देते थे, उसमें लिख देते थे आपका शुभचिंतक वगैरह वगैरह, अपना नाम नहीं लिखते थे। कॉन्सेप्ट तो वही हो गया, किसी को मैं गाली दूँ या कौन कॉम्प्लीमेंट दूँ, बस अपना नाम ना बताऊँ। तो वह बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोगों को इन दिनों बहुत कूल लग रहा है। दरअसल कूल लगने वाली बात नहीं है, ये बात है एक थ्रेट की, जिसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। अब आप ही सोचो, अब आपके बारे में कोई आकर कॉम्प्लीमेंट देता है, चलो ठीक है, आपको खुशी होगी, लेकिन आपको नाम तो पता चला नहीं किसने दिया। वही इंसान अगले दिन आपको गाली देता है, तो क्या मतलब है इस चीज का? कोई सर पैर की चीज होनी चाहिए भाई, कि कॉम्प्लीमेंट दे तो हाँ भाई हमारे रिश्ते में सुधार आएंगे, रिलेशनशिप ठीक होंगे उसमें, कि लोग ये सामने वाला मुझे थैंक यू बोल रहा है या कुछ अच्छा कह रहा है मेरे लिए। अब उसमें कोई आता है, कुछ कॉम्प्लीमेंट देता है, कोई गाली देता है, कुछ पता नहीं चलता है कौन उसमें आपको किसने मैसेज किया, क्या किया, ये कुछ तरीका तो हो कि भाई मुझे पता चले। और दरअसल उस वेबसाइट में ये लिखा गया है, उसके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप उसको खोलोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी आपको एनोनिमस बनकर आप पे कमेंट करेगा, उससे आप सेल्फ डेवलप कर लो। अब भैया ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि कोई मुझे बता के मुझे गाली दे रहा है और फिर मैं उसको सेल्फ डेवलप करूं, मेरे जैसे लोग तो सुलग के रह जाएंगे ना फिर अंदर से। लेकिन बात यहां तक है कि अगर आप अकाउंट बनाते हो, कोई आपको रास्ते में कहता है कि ठीक है मैं तुझे वहां देख लूंगा, अब आपके मन में तो वो डर बैठ गया कि कौन है ये, क्या है, मुझे वहां देख लेगा। हाँ, दरअसल उस एप्लीकेशन में ये भी है, रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन है, बट आप भी जानते हो कि रिपोर्ट करने पर कितना एक्शन होता है, कितना एक्शन नहीं होता है। तो वही बात है, अगर उस एप्लीकेशन में किसी के भी कलर के बारे में बात की जा सकती है, कोई बार बार उसके कलर के बारे में बोलेगा बोलेगा बोलेगा, अब किसी एक यूजर के मन में वो घर कर बैठ जाएगा, तो फिर ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। क्या फायदा इस एप्लीकेशन का? इंटरनेट इतना बड़ा है, उसका इतना अच्छा यूज होना चाहिए, तो ये दर्द और ये ऐसी ऐसी वेबसाइट saraha.com जैसी वेबसाइट आकर लोगों को उसमें इंगेज करके साइबर बुलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में मेरी राय तो यही है कि आप इस एप्लीकेशन को ना यूज करें, ना उसको ना फैलाएं, ना ट्रेंडिंग में लाएं, तो यही बेटर होगा। नहीं तो पता नहीं इंटरनेट क्या है, आपको भी पता है कोई भी चीज़ ट्रेंड होती है, कभी अचानक से नीचे गिर जाती है। तो इसी तरह से मेरा कहना यही है कि चीज़ों का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखें और ऐसे saraha.com जैसे चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। कोई आपके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट देता है तो सामने से आकर दे, कोई गाली देता है सामने से आकर दे, उससे पता चलता है कि लोग हमारे बारे में सोच क्या रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो को प्लीज 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 शेयर करो, ताकि आपके दोस्त भी जान सकें इस वेबसाइट की सच्चाई, इस वेबसाइट में है क्या। और प्लीज इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें जानना चाहते हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।